ये ट्यूब वाला ट्यूबलेस है, पंजर नहीं निकलेगा। व्हाट अ डे मैन। What a road, यार। रेजानला मेरा ड्रीम था यहाँ ना। हंजी जो नहीं लग रहा। Oh man, not easy. Om Lingla! भारत माता की। Good morning दोस्तों, कैसे आप लोग? It's 6 o'clock in the morning. We are almost all set to leave from our hotel. This was our hotel, Hotel Highway in Udhampur. बस अभी हम लोगों ने सामान वगैरह पैक करा है, अब यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे। प्लान इज टू लीव है बाय मैक्सिमम 6:30 to 7। बस एज सून एज एवरीबडी इज रेडी विद द लगेज वी आर गोइंग टू लीव फ्रॉम हियर। माय बाइक इज ऑलमोस्ट रेडी। आज मैं बाइक को थोड़ा लाइट रखने वाला हूँ। आई एल नॉट सर, इधर लगा दो। सो माय बाइक इज फुल सेट। आई एम नॉट पुटिंग द साइड पैनियर स्टूडियो ऑन माय बाइक बिकॉज आज थोड़ा ऑफ रोड वगैरह होगा, रास्ता ख़राब है, ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है। सो फ़ायदा नहीं है साइड पैनल्स लगा के आज। सो साइड पैनल मैंने अपने बैकअप व्हीकल में उसमें फिट कर दिया। ये आई थिंक हर्ष की बाइक है, इट्स ऑल्सो रेडी। पाल भाई एंड देन पीछे संजीव की बाइक। रेस्ट एवरीवन इज स्टिल गेटिंग रेडी। सो उनकी बाइक अभी आई नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ से फटाफट निकलेंगे, आई थिंक बाई 6:45 वी शुड मूव फ्रॉम हियर। एंड फिर यहाँ से हम सीधा निकलेंगे श्रीनगर की तरफ। बीच में कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे एक बार, बट डेफिनेटली वी लीव इन 15-20 मिनट्स। ओके गाइस, सो नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम उधमपुर। इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब आज का जो रास्ता है फ्रॉम उधमपुर टू श्रीनगर, द डिस्टेंस दैट वी हैव टू कवर इज़ रफली अराउंड 180 किलोमीटर्स के आसपास। तो द डिस्टेंस इज़ नॉट मच, बट द राइडिंग टाइम एज पर गूगल मैप इज रफली अराउंड 5 hours। सो द प्रॉब्लम दैट आई एम एंटिसिपेटिंग टुडे इज द ट्रैफिक जैम्स, बिकॉज इस रोड पर ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला, बिकॉज हम लोग निकले तो टाइम से ही है, थोड़ा सा लेट हो गया, अगर आधा पौना घंटा पहले निकले तो डेफिनेटली वी वुड हैव बीन अहेड ऑफ द ट्रैफिक, बिकॉज नगरोटा का जो रास्ता है वो ओपन होता है रफली अराउंड 7 o'clock। सो नगरोटा से जो ट्रैफिक है वो अब आना स्टार्ट हो गया होगा टूवर्ड्स उधमपुर। उधमपुर में देर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ माई चाइल्ड हुड। बेसिकली स्टोरी बड़ी सिंपल सी है यार, कि मैं जब छोटा था 6th-7th class में, तो देन माई डैड हु वॉज इन द आर्मी, ही वॉज पोस्टेड इन उधमपुर एंड आई हैव लिव्ड इन उधमपुर फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 years। और उधमपुर में स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल, मैंने पढ़ाई भी अपनी वहाँ से करी है 3 साल। सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज है इस सिटी से। आज बिल्कुल भगाने का प्लान नहीं है, आज आराम आराम से बाइक चलाएंगे। Lot of riders are riding for the first time in mountains, so we have to keep them also in mind while picking up the speed and all. पर कल का अगर मैं आपको stats बताऊँ, कल हम लोगों ने almost 20 hours plus ride करा था। We covered around 650 kilometers in one day on our bikes. So I think that's a huge achievement because it is never easy to ride 500 plus kilometers in one day in India. So 650 kilometers in a large group, coordinating with everyone, taking breaks, managing everybody's timeline and priorities, I think it was a great achievement to complete the ride without any problem yesterday. And aaj ke liye bhi bas yahi hope hai ki ride acche se nikal jaye. The good thing so far is the convoy is moving in one single row, that's a great thing. Sab saath saath chal rahe aaj. और हम ट्राई भी यही करेंगे कि यार पूरा ग्रुप साथ में रहे आज। अगर आप लोग पहले यहाँ पे आए होंगे तो आपको पता होगा कि ये रोड बिल्कुल टूटा हुआ था, ये अंडर कंस्ट्रक्शन से था बहुत सालों से। मैं 2-2.5 साल पहले यहाँ पे आया था लास्ट टाइम, एंड इट वाज सच अ पेन टू क्रॉस दिस पैच। मतलब हमारी वाट लग गई थी इस पैच को क्रॉस करने में, पूरा रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन, फुल ट्रैफिक जैम। सो नाउ वी आर क्लोजर टू द चनानी टनल। ये जो राइट से रास्ता जा रहा है ये बेसिकली आपको पत्नी टॉप की तरफ लेके जाता है। अगर आपको टनल से नहीं जाना है और आपको पत्नी टॉप जाना है तो आप ये राइट वाला रास्ता लेके आप पत्नी टॉप जाओगे। वो भी बहुत अमेजिंग राइड है, थोड़ा पुराना रोड है वो, बट दैट राइड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब जब से टनल खुल गया तब से ये हो गया कि लोगों ने पत्नी टॉप जाना छोड़ दिया है। पहले वो ऑन द वे आता था, इट वॉज़ अ गुड हिल स्टेशन टूवर्ड्स श्रीनगर,
पर अब कोई नहीं जाता वहाँ पे यार। सो मैं इस टनल से पहले जा चुका हूँ यार, इट्स अ लॉन्ग टनल, आई थिंक 7-8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर समथिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चेन्नानी नशरी टनल वे लिमिटेड। सो वी जस्ट स्टॉप फॉर अ वेरी क्विक ब्रेक आफ्टर द टनल। बेसिकली वन ऑफ द राइडर वॉन्टेड टू हैव राजमा चावल, सो वी जस्ट हैड राजमा चावल एट दिस लकी वैष्णो ढाबा। सो अब यहाँ से रह गया हमारा श्रीनगर 140 किलोमीटर कुछ। मैप के हिसाब से देखो तो 4 घंटे का रास्ता, बट आई एम श्योर वी विल टेक मच मोर देन दैट। सो रामबन क्रॉस कर लिया हमने। बेसिकली जब से हम निकले थे ब्रेक के बाद से आई हैव जस्ट कवर्ड अराउंड 15-16 किलोमीटर्स। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 आवर। रियली रियली बैड ट्रैफिक। वाओ मैन, सच अ बैड ट्रैफिक जैम। सो ये ट्रक खराब हो रखा था, आई थिंक इसकी वजह से इतना ज़्यादा मेजर पीछे ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। पर आई थिंक आगे भी ऐसे ही होने वाला है, बिकॉज कुछ ना कुछ या तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है या रोड टूटा हुआ है या कहीं ट्रक खराब हो रखा है। सो ये ट्रैफिक टिल बनिहाल ऐसे ही मिलने वाला है हमें। तो आगे एक बड़ा पत्थर है यार, बुलेट निकल जाएगी यहाँ से, साइलेंसर लगेगा बुलेट का। दिस इज़ द बनिहाल मार्केट नाउ। अब ये ख़त्म होगा, उसके बाद एक टनल आएगी। आई थिंक उस टनल के बाद थोड़ा सा रोड सिचुएशन चेंज होना चाहिए मेरे ख्याल से। चल के देखते हैं अभी, पहले तो यहाँ से निकले। तो अब हम बनिहाल से बाहर आ गए, थैंक गॉड फॉर दैट। इट वॉज अ टेरिबल ट्रैफिक जैम एंड द एंटायर रोड कंडीशन वॉज हॉरिबल। इट्स 1 o'clock राइट नाउ, 8 बजे हम निकले थे उधमपुर से। वी हैव कवर्ड रफली अराउंड 95 किलोमीटर्स सो फार। इन 95 किलोमीटर्स को करने में हमें 5 आवर्स लगे आज। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, कितनी ज़्यादा हालत ख़राब होगी वहाँ पर ट्रैफिक सिचुएशन की। बट थैंक गॉड अब वहाँ से बाहर निकल गए। अब यहाँ पर एक नया टनल जो बना है वो आएगा, एंड वंस वी क्रॉस दैट टनल आई थिंक देन वी एंटर द कश्मीर वैली इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो दिस टनल इज ऑल्सो 9 किलोमीटर्स लॉन्ग, 8.45 किलोमीटर्स। We have entered the Kashmir Valley. यहाँ से श्रीनगर है roughly around 75 kilometers only. सर ये वहीं जाएगा श्रीनगर? अच्छा। क्या सो वी जस्ट हैड आवर लंच हियर द फूड क्लब। अब यहाँ से निकल रहे हैं श्रीनगर की तरफ, ओनली 35 किलोमीटर्स लेफ्ट, दैट शुड टेक अराउंड 45-50 मिनट्स। आई थिंक आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर एंड द नेक्स्ट व्लॉग आई विल कवर द श्रीनगर पार्ट। आई होप आपको मेरे अभी तक के पहले दोनों वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन कीप राइडिंग एंड स्टे सेफ।